सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ठाकुर द्वारा में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। कहा कि भाजपा विधायकों ने 2000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों का विकास से कोई संबंध ही नहीं। उनके विकास का मतलब है अपना विकास, सैफई का विकास। ठाकुर द्वारा में विधायक चुनाव होता तो यहाँ भी विकास की गंगा बहती। सीएम ने कहा कि 2017 में हुई चूक फिर दोबारा न हो, इसलिए 6 महीने पहले याद दिलाने आया हूं। यूपी में नई तकनीक से सड़कें बनाई जा रही हैं, जो 50 वर्षों तक विकास की राह दिखाएंगी। पहले पता नहीं चलता था कि सड़क है या खेत, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले माँ अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती थी, अब बेटियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश में 30,000 बेटियाँ पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। पहले सरकार सैफई से आगे नहीं सोचती थी, भर्ती में वसूली होती थी। पहले पेंशन समाजवादी पार्टी कैडर को मिलती थी, सरकारी खजानों से अपनों की जेब भरी जाती थी। अब ऐसा करने वालों के लिए तो प्रदेश की जेल इंतजार करते हुए कहती है कब आओगे। अब सभी पात्रों को समान पेंशन मिल रही है, सांप्रदायिक तनाव के लिए नहीं एक्सपर्ट हब के रूप में पहचान मिल रही है, घर पर रोजगार मिल रहा है। मुरादाबाद में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना काल में दिल्ली की हालत देखिए और उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। दिल्ली से लोग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मुरादाबाद के अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। हमने सभी की सेवा की, जबकि दिल्ली सरकार फेल हुई। 4.5 साल में हमने प्रदेश की तस्वीर बदल दी। हमने धारा 370 को हटाया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भव्यता के साथ चल रहा है। दुनिया का सबसे भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। सीएम ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कांग्रेस वाले मंदिर बनाते? सपा के लोग मंदिर बना पाते? क्या बसपा के लोग मंदिर बना पाते? आपको इन पर भरोसा है? पीएम मोदी ने लाखों लोगों को घर दिया। किसानों का गन्ना भुगतान समय से हो रहा है। सभी चीनी मिलों से कह दिया गया है कि इस बार मिल चालू होने से पहले बकाया 5,000 करोड़ का भुगतान हाल में हो जाए। ठाकुर द्वारा में 1947 के बाद आए पाकिस्तान बांग्लादेश से आए किसानों की जमीन के पट्टों की समस्या सुलझाने का मुद्दा पूर्व सांसद सर्वेश सिंह ने उठाया है। हम उनका समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने आगे कहा कि मोदी सरकार एनआरसी के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों से आने वाले भारतीयों की नागरिकता के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्षी इसमें रोड़ा अटकाते रहे, विरोध प्रदर्शन किया, लोगों के प्रतिष्ठान जलाए गए। तब हमने कहा कि इसकी भरपाई आप तो क्या आपकी पीढ़ियां भी करें, अगर हम सख्त ना होते तो प्रदेश जला देते। धनगर समाज की समस्या के समाधान का कार्य चल रहा है, ये केवल भाजपा सरकार ही करेगी। न्यूज डेस्क INN।